मेरा नाम रोहित अशोक है और हम आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। हम में से कई लोग ब्लॉग लिखते हैं। ब्लॉग लिखने के अलावा हम क्या करते हैं कि हम एडसेंस अप्रूव कराते हैं ताकि वहाँ से हम रेवेन्यू कमा सकें, अच्छे पैसे कमा सकें। बट कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब आप एडसेंस अप्रूव कराते हो तो जैसे आप एडसेंस अकाउंट के अंदर जाते हो तो ये एक मैसेज बार बार यहाँ पे पॉप अप होता है दैट अर्निंग एट रिस्क, यू नीड टू फिक्स सम txt फाइल, जिसमें ads.txt फाइल इश्यूज़ को अवॉइड सीवियर इम्पैक्ट टू योर रेवेन्यू। तो आप ये प्रॉब्लम इशू करता है तो इसको हमें फिक्स करना है। इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये फाइल जो है यहाँ पे दिख रहा है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। txt फाइल डाउनलोड हो गया और इसको देखेंगे ये दिखता कैसा है। txt फाइल ये इस तरीके से दिखता है। फिर हम वापस जाएंगे अपने इस पोर्शन पे, अपने विंडो पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपने वेबसाइट के अंदर जाएंगे। और इसको यूज़ करने का दो तरीका है। एक तो आप इसको डायरेक्ट सी पैनल में डाल दीजिए अगर आप FTP फाइल के बारे में जानते हैं या आपको सी पैनल का अच्छा आइडिया है, नॉलेज है, तो आप वहाँ पर txt फाइल को अपलोड कर देंगे, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कि हम यहाँ पे प्लगइन में जाएंगे और प्लगइन में जाने के बाद हम यहाँ पे एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिस प्लगइन का नाम है फाइल मैनेजर। और ये फाइल मैनेजर हम कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं बट हम फोकस इस पे करेंगे, ये वर्डप्रेस फाइल मैनेजर के ऊपर। तो इसको एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ साइड में देखिए फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है। हम फाइल मैनेजर को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम नो थैंक्स कर देते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, हमको बेसिकली यहाँ पे जाना है और एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। ये थोड़े थोड़े आपको डिस्टर्बेंस बीच में आते रहेंगे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे प्लेन txt फाइल, यहाँ पे जाएंगे, आपको इसको नाम दे देना है ads.txt और सेव कर लेना है। अब जैसे आप सेव करेंगे ये यहाँ पे दिखेगा ऑलरेडी या एडिट फाइल के ऑप्शन में आएगा और आप क्या कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। अब हमको करना क्या है, ये जब विंडो ओपन होगा इसमें हमको ये वाले जो कोड है इसको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद सेव एंड क्लोज, फिर एक बार रिफ्रेश। अब हमको चेक करना है कि ये सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। सक्सेसफुल चेक करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे add.txt और इंटर करेंगे। अगर ये आपको दिख रहा है, ये कोड यहाँ पे दिख रहा है तो ये सक्सेसफुल हो गया है और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको रिफ्रेश करके देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा ये पोर्शन दिखने में, तुरंत रिजॉल्व नहीं होता, ये थोड़ा टाइम लगेगा आप, ठीक है। ये कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ के बाद आपने वापस जाना है इस पोर्शन पे और आपने सेव कर लिया, इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं क्योंकि एक रिस्की चीज़ है। ये आपका वेबसाइट का जो सी पैनल है, बैकग्राउंड है, उसके अंदर का डिटेल है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपली वापस से प्लगइन में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे हमारा, इसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न के चलते हम कर रहे हैं, हम नॉर्मली नहीं रखते। अब वहाँ वापस से यहाँ जाएंगे और एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे कि ये है कि नहीं। अगर रिफ्रेश करके देख रहे हैं और ये एज इट इज़ है, दैट मीन्स हमारा कंप्लीट जो प्रोसेस है अपलोड का वो सक्सेसफुल हो गया है। और इसके बाद आप कुछ दिन के बाद एडसेंस में ये चेंजेस आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी ये लिखते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, इट मे टेक फ्यू डेज फॉर चेंजेस टू अपडेट, तो थोड़ा टाइम लगेगा।
तो ये है बेसिकली बहुत सिंपल तरीका जहाँ से आप ऐड डॉट टी एक्स टी फाइल अपलोड करके ये जो अर्निंग रिस्क है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आपका अर्निंग्स बढ़ जाएगा और डेफिनेटली ये इश्यूज़ दोबारा नहीं दिखाएगा। तो ये था ओवरऑल इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जहाँ पे आप फेस करते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ अपने वीडियो के माध्यम से। आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं काफ़ी ऐसे वीडियोज़ बना पाऊँगा। फ़िलहाल के लिए यहीं पर हम रुकते हैं, और थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।